देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा कहानी मैं आप सभी को सुनाता हूँ। एक बार दो दोस्त किसी रेस्टोरेंट में बैठकर किसी टॉपिक पर बात कर रहे थे, जिसमें पहला जो दोस्त होता है वो अपने दूसरे दोस्त से पूछता है, तुम एक दिन में कितने घंटे काम करते हो? तो इसके जवाब में जो दूसरा दोस्त होता है वो बोलता है, यूं ही करीब 10 से 12 घंटे। इसके बाद जो दूसरा दोस्त होता है वो अपने पहले दोस्त से पूछता है, तुम कितने घंटे काम करते हो? तो पहला दोस्त बोलता है, यूं ही यार करीब 400 घंटे। अब देखो बॉस, एक दिन में 400 घंटे ये थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये हकीकत है। वो कैसे? इसके जवाब में जो पहला दोस्त होता है वो बोलता है, उसके पास एक फर्म है जिसमें टोटल 50 एम्प्लॉयज काम करते हैं और हर एक एम्प्लॉय लगभग 8 घंटे काम करते हैं। तो अगर हम इस फिगर को कैलकुलेट करें तो ये कुछ ऐसा होगा, 8 × 50 = 400 hours। शायद आपको समझ आ गया होगा कि पहला दोस्त कैसे 400 घंटे काम करता है। वैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो पहला जो दोस्त है वो बिजनेस इनकम की बात कर रहा है, तो वहीं पर जो दूसरा दोस्त है वो अर्नड इनकम की बात कर रहा है। और इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो हम पाएंगे कि लगभग 90% से ज़्यादातर लोग केवल अर्न इनकम पर डिपेंडेंट होते हैं। इसलिए यही वो कारण है कि वो समय रहते फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाते। यहाँ पर अगर आप 20 घंटे भी काम करो पर फिर भी आपका जो ग्रोथ है वो लिमिटेड ही रहेगा। लेकिन वहीं पर दोस्तों, एक मिलेनियर कभी भी सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंडेंट नहीं होते। उनके पास ऐसे कई इनकम सोर्सेस होते हैं जो कि उनको रेगुलर इनकम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से कुछ एक्टिव इनकम पर बेस्ड है तो वही कुछ पैसिव इनकम पर बेस्ड होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो एक मिलेनियर के पास टोटल 7 सोर्सेस ऑफ इनकम होते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक मिलेनियर के पास ये सातों के सातों हो। 2-4 इनकम सोर्सेस का कॉम्बिनेशन हर एक मिलेनियर के पास होता है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं मिलेनियर के उन 7 सोर्सेस ऑफ इनकम को। नंबर 1, अर्न इनकम। अर्न इनकम को हम एक्टिव इनकम भी बोल सकते हैं। देखिए, अर्न इनकम के केस में आप जितना काम करेंगे आपको उतने ही पैसे मिलेंगे, और जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगे आपको पैसे मिलने भी बंद हो जाएंगे। डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंजीनियर, प्राइवेट फर्म में काम करने वाले एम्प्लॉय, ये सारे एक्टिव इनकम पर डिपेंडेंट होते हैं। देखिए, अर्न इनकम की सबसे कमाल की बात यह है कि हर कोई, चाहे वो कंपनी का CEO ही क्यों ना हो, सारे इसी पर डिपेंडेंट होते हैं। करियर के शुरुआती पॉइंट पर अर्न इनकम सही है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर इस पर डिपेंडेंट रहना ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में जो ग्रोथ है वो लिमिटेड है और आपको टैक्स भी ज्यादा पे करना होता है। कई कई केसेस में जो टैक्सेस हैं वो 30% से भी ज्यादा होता है। इसलिए आपको जल्द से जल्द दूसरे इनकम सोर्सेस के ऊपर काम करना चाहिए। नंबर 2, इंटरेस्ट इनकम। आपने ये बात तो सुना होगा कि पैसे से पैसे बनाया जाता है, ठीक यही चीज इंटरेस्ट इनकम के साथ भी लागू होता है। मान लीजिए आपने किसी को पैसे दिए और जब सामने वाला उस पैसे को रिटर्न करेगा तो फिर वो आपको कुछ पैसे इंटरेस्ट के फॉर्म में देगा, और यही पैसे इंटरेस्ट इनकम कहलाता है। ये इनकम टोटल पैसिव इनकम होता है और इसको कमाने के लिए आपको कोई काम करने नहीं पड़ते। FD, RD, बैंक डिपॉजिट, गवर्नमेंट बॉन्ड, म्यूचुअल फंड, ये इंटरेस्ट इनकम के सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो कि इंटरेस्ट इनकम प्रोवाइड करते हैं। नंबर 3, डिविडेंड इनकम। मान लीजिए आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदा जहां पर आप उस शेयर के मालिक हैं, और यहां पर अगर कंपनी ग्रो करती है तो जो पैसे कंपनी आपको पर शेयर के हिसाब से देगी वही आपके लिए डिविडेंड इनकम होगा। सरल शब्दों में कहा जाए, किसी शेयर के बदले जो इनकम मिले वही डिविडेंड इनकम है। डिविडेंड जनरली क्वार्टरली यानी कि 3 महीने में डिक्लेयर होता है, उसे अपने अपने तरीके से प्रोवाइड करती है। मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी के 5,000 शेयर हैं, जिस पर कंपनी आपको पर शेयर के हिसाब से ₹10 का डिविडेंड प्रोवाइड करती है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो टोटल डिविडेंड जो कि आपको मिलेगा वो होगा 10 × 5,000 = 50,000 rupees। देखिए, डिविडेंड इनकम बाकी सभी इनकम से बेस्ट माना जाता है, क्योंकि आपको इंडिया में 10 लाख के डिविडेंड पर कोई भी टैक्स देने नहीं होते, और अगर 10 लाख से ज्यादा का इनकम हो तो मात्र 10% ही टैक्स देने होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी और 4th इनकम सोर्स के ऊपर। इस इनकम सोर्स को हम रेंटल इनकम कहते हैं। जब भी आप अपना कोई सामान रेंट के रूप में किसी को यूज करने देते हो तो जो इनकम आपको उसके बदले मिलेगा वही रेंटल इनकम होता है। रेंटल इनकम भी पैसिव इनकम का एक बेस्ट सोर्स है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपके पास एक कैमरा है जिसका यूज आप फोटो शूट के लिए करते हो, तो यहाँ पर अगर आप इस कैमरे को रेंट में दे देते हैं जिसके जरिए आप रेंटल फॉर्म में इनकम चार्ज कर सकते हो। वैसे तो रेंटल इनकम के और भी कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि अपने रूम को रेंट में दे देना, या फिर अपनी गाड़ी को रेंट में दे देना, या फिर अपने प्रॉपर्टी को रेंट में दे देना, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसे रेंट पर देते हो। तो दोस्तों, इस तरह 4 सोर्सेस ऑफ इनकम पर
डिस्कस करा। और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम बचे हुए 3 इनकम सोर्सेस को डिस्कस करेंगे जो कि इससे भी जबरदस्त हैं, तो इसको बिल्कुल भी मिस ना करिएगा। तब तक के लिए